तय किया था कि गंगा जल पहुंचाएंगे गया में, बोध गया में, राजगीर में, नवादा में। तो ये सब काम जो चल रहा था, और आज हुआ कि आज यहाँ तक पानी जरूर पहुँच जाएगा। और आप जानते हैं गया और बोध गया के लिए सालों भर के लिए पानी यहीं पर स्टोर रहेगा, और यहीं से पानी जाएगा आगे, और गया और बोध गया सब के लिए वहाँ पर होगा। तो वही आज हम देखने आए थे, तो चाह रहे हैं कि बड़ा तेज़ी से सब काम हो जाए ताकि गंगा जल की आपूर्ति इन जगहों पर हो जाए। ये बहुत खुशी की बात है। अब आप समझ लीजिए, गंगा जी भी हैं और गया जी भी हैं, तो गया जी के लिए गंगा जी आ गई है। ये कोई मामूली बात है, सोच लीजिए अब कितनी बड़ी बात है कि गंगा नदी का जल यहाँ पहुँच रहा है गंगा जी के। यहाँ के लोग भी कह रहे हैं कि अब उल्टी गंगा बह रही है और सार्थक गंगा बह रही है, तब तक लोगों को उल्टी गंगा बह रही है, सार्थक रूपी सार्थक तो हम जानते ही है, उसको लाया जा रहा है ना गंगा नदी से। और हम लोग तो 4 महीना लाएंगे, और 4 महीना में तो जो जाएगा जाएगा, लेकिन बाकी समूचे 8 महीना के लिए स्टोर यहीं हो जाएगा। और जहाँ कहीं भी लाया जा रहा है तो वहाँ से चल करके गंगा नदी के पानी को सबसे शुरू में, फिर यहाँ रखने के लिए, फिर नवादा की तरफ जाने के लिए सब किया जा रहा है। तो ये सब उपाय है और इन जगहों के लिए किया जा रहा है, सबको तो मालूम ही है, सब लोगों को मिल जाए। आप जानते ही हैं किस तरह से गया में क्या दिक्कत होती थी। हम तो एक बार 2006 में भी आए, तभी इतनी पता चला कि लोगों को परेशानी हो रही है और यहाँ पर लोगों के लिए हो, तो इसके लिए ही हम लोगों ने सोचा। और इस बार जानते ही हैं कि जब हमने जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत 2019 में करवाया, तो एक बार हम पहले भी सोचे थे इन जगहों पर पहुँचाएँगे, लेकिन उस समय कंसर्न डिपार्टमेंट ने कोई काम उस ढंग से किया नहीं। फिर हमने इसके लिए मीटिंग की और इसीलिए उस समय ऐलान कर दिया, तो जो जल जीवन हरियाली अभियान है उसी में। और आप जानते हैं कि राज्य सरकार को कितना रुपया इसमें 4 करोड़ रुपया खर्च हुआ है राज्य सरकार का। अब इसके अलावे भी और हम लोग देखेंगे कि कहीं पर किसी तरह की दिक्कत नहीं हो, और हमेशा और जानते जो पानी आएगा फिर इसको ठीक कर किया जाता है, पीने के लायक बना करके फिर लोगों के घर घर तक पहुँचाना है। तो ये सब सारा संकुचित उद्देश्य है। तो यही आज इतनी खुशी हुई कि भाई राजगीर पहुंच गया था। अब हमको था कि भाई जब तक यहाँ नहीं पहुँचे तब तक कहीं शुरू नहीं हो, तब यहाँ भी पहुंच गया, अब एक साथ सब शुरू हो जाए, बड़ी खुशी की बात। इस जलाशय का नाम तो हम लोगों ने कर दिया है गंगा जी और गया जलाशय योजना, गंगा जी गया जलाशय योजना, दोनों जी हैं, इसके बीच में जी, गंगा जी या जी गया, धार्मिक रूप से काफी अति महत्वपूर्ण है, क्या कहना चाहेंगे। इसीलिए इसका नामकरण हमने कह दिया है, यही कर दीजिए इस जगह का नाम जलाशय योजना का, गंगा जी गया जलाशय योजना। और एक एक लोगों को घर में मिलेगा, कितना लोगों को खुशी होगी। अरे बड़ी खुशी, अब जानते हैं इतना दिन से हम सोच रहे हैं कि पहुँचाते तो आ गए कि अब आने लगा पानी, लेकिन अब कुछ दिन के बाद जब सबको मिलने लगेगा ना, एक एक चीज़ देखते रहते हैं ना हम, तो वहाँ जा करके हर जगह तेजी से काम हो जाए। हमने नवादा के लिए भी इन लोगों ने कहा कि जरा तेजी से करवाइए, जब हो जाएगा बहुत अच्छा लगेगा, सब जगह पहुँच जाएगा। अंतिम चरण में की बात होगी, कहा है कि बड़ा सब इम्पोर्टेंट जगह है ना जी, सब ऐतिहासिक जगह है, गया बोध गया क्या है कितना ऐतिहासिक, राजगीर सब ऐतिहासिक है, सबको आने का जगह कौन है, नवादा, नवादा, तो ये सब वो जगह तो बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। इसलिए हम लोग चाहते थे कि यहाँ पर पहुँचा दें, तो पहुँचा दिया अभी। और जब हर आदमी को जब लगने लगेगा कि सब ठीक से मिल रहा, अच्छा मिल रहा, और कितना रुपया आपको हम बता दिए कि हम लोग कर रहे हैं, और इसके लिए जो एक्सपर्ट्स हैं उनको इस पर लगाया गया है कि कितना बढ़िया से सब काम हो रहा है,
को बीच इतनी बार आकर के एक एक चीज हम देखते हैं, जहाँ से जमीन के अंदर डाल करके जो पानी के लिए लाया गया है, कुछ जगह जाकर के देखते हैं भाई यहाँ तक में कैसे पहुँचेगा, सब अलाइनमेंट क्या होगा, अलाइनमेंट क्या होगा, एक एक चीज हमें रूट बताया, कहीं से आ रहा था हमने कहा उधर नहीं यहाँ से रूट लाइए, एक एक चीज करके तो हो गया, तब कुछ ही नहीं भाई। अब जितना लोगों को पानी मिलेगा कुछ समय लगेगा, शायद कितना हाँ इस साल के अंत तक शुरू हो जाएगा। एक महीने में दूसरी बड़ी सौगात है गया के लिए, रबर डैम हो गया, तब सोच लीजिए गंगा जी गया चला पूर्ति काम है। देखिए यह तो एक अप्रत्याशित कार्य हुआ है आदरणीय मुख्यमंत्री के द्वारा, लोग बोलते हैं भाग्यथी प्रयास, प्रयास आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं किया, वो सोचा और सोच करके उसको कार्य में परिणत कर दिया, मैंने काम करके दिखा दिया कि गंगा जल किस तरह से राजगीर से गया और गया के फलगू में रबर डैम बना करके उसमें गया के लोगों को, पिंडानियों को, सब लोगों को उपलब्ध करा दिया। अब यह पानी इसका रिफिलिंग होगा, फिर पीने लायक बनेगा और पीने लायक बनेगा सबों के घर में, यह पानी धीरे धीरे जाना शुरू हो जाएगा। यह साधारण बात नहीं है, यह एक संकल्प लेने वाला जो महापुरुष होता है उसी के हाथों से इस तरह का कार्य संपन्न होता है। गंगा वाटर लिफ्ट प्रोजेक्ट है और आज से कुछ साल पहले नॉर्थ बिहार में हमारा पानी की समस्या थी, साउथ बिहार में पानी की समस्या थी और नॉर्थ बिहार में पानी बाढ़ आ जाता था। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये योजना बनाई जिसमें हमारा हाथीदह के साइड से गंगा पानी को उठा के हमारा गया तक पहुंचाना है। इनका मेन पर्पज़ था लोगों को घर जर हर घर जर में पीने की मुहैया कराना और उनका कृषि क्षेत्र में पानी देने के लिए, इसलिए उन्होंने क्या किया, सबसे पहले हमारा हाथीदह में एक पंप हाउस बनाया, पंप हाउस में बना के वहाँ से पानी उन्होंने भेजा हमारे गृहक में, गृहक के लोगों को वहाँ पे WTP प्लांट बना के उन लोगों को पीने के लिए योजना पानी दिया गया, वहाँ का जो ओवरफ्लो है इधर रिजर्वायर में दिया गया, इस डैम का नाम तेतर डैम है, यहाँ का पानी फिर हमारा ओवरफ्लो के गया में जाएगा। यहाँ पे हमारे लोग, यहाँ पे बहुत सूखा पड़ता है, मैं पिछले 2 साल से यहाँ पे एज ए पोस्ट काम कर रहा हूँ, बहुत गर्मी होता है, बहुत सूखा पड़ता है यहाँ पे, इसलिए यहाँ के लोगों को हमारा वहाँ पे रिजर्वायर बन सरप्लस वियर बन रहा है, जहाँ पे लोगों किसानों को पानी दिया जाएगा खेती के लिए। इसके बाद हमारा पानी जाएगा मानपुर में, वहाँ पे लोगों को WTP प्लांट बन रहा है हमारा, वहाँ पे उनको पीने के लिए दिया जाएगा। ये हमारा फर्स्ट फेज़ 1 का काम है। इसके बाद फेज़ 2 का काम है हमारा हर जल घर योजना, उसमें छोटे छोटे डाया का पाइप लगेगा। हमारा ऑलरेडी सीताकुंड में एक सेकंड फेज़ का काम शुरू हो चुका है, आज माननीय मुख्यमंत्री जी इधर आएंगे हमारा उद्घाटन करने के लिए, और ये इसी का हम बेसब्री से इंतज़ार भी कर रहे हैं कि यहाँ आए और यहाँ के लोगों के आसपास देखे होंगे खुशी की लहर दौड़ रही है कि गंगा नदी का पानी, जिस अत्रि मुनि ने कहा जाता है कि यहाँ पे तपस्या किया था यहाँ पे पानी के लिए, आज वो पानी यहाँ पे आया, इसलिए हम लोग तो बहुत खुश हैं और साथ ज़्यादा खुशी इस बात की कि यहाँ के लोगों के लिए भी बहुत खुशी हो रही है। कितना किलोमीटर ये पाइपलाइन है? सर ये 160 किलोमीटर का पाइपलाइन है जिसमें यहाँ पे हमारा 116 चैनेज हो रहा है, जो हमारा मेन रोड है वो 116 चैनेज है, वहाँ से हमारे यहाँ पे पानी आ रहा है, और इसका 2.1 डाया पाइप है सर, इसमें पानी हमारा क्या कहते हैं, अब आज से हमारा कंटिन्यू बेस में पानी चलता रहेगा सर। बहुत खुशी के माहौल है हमारे क्षेत्र में, और ख़ास करके मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे विकास पुरुष नीतीश कुमार जी का, हमारे मुख्यमंत्री, जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमारे क्षेत्र में गिफ्ट देने का काम किए, मैं उनको बहुत बहुत अपने तरफ से और अपने क्षेत्र की जनता की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में गंगा जी का पानी अभी उद्घाटन हुआ है, हमारा क्षेत्र पवित्र हो गया है। मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ अतिरिक्त विधायक की तरफ से और जनता की तरफ से। डेवलप करने के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह और रिक्वेस्ट करूँगा कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट काम किए हैं और लोग सैलानी यहाँ पे देखने के लिए इसको आएंगे, और ऐसा माहौल है कि यहाँ पे जंगल भी है, पहाड़ भी है, डैम भी है, तो हम चाहेंगे कि हमारे मुख्यमंत्री जी इसको पर्यटक स्थल की घोषणा कर दें, ताकि यहाँ पर्यटक लोग आ सकें, बौद्धिस्ट लोग जो गुजरते हैं यहाँ पर से वो लोग आकर देख सकें।